तो हम यहाँ से निकल रहे और ध्रुव पीछे है। अभी पहले हम यहाँ से जाएंगे हमको पेट्रोल पुराने, क्योंकि मेरे कांटे में 3 पॉइंट ही है और हमको यहाँ से जाना है कारगिल होकर ले। टोटल 400 किलोमीटर कवर करना है। मिलते आगे। हमारे साथ ये दो फेमस वाले डोमिनार वाले साथ आ रहे हैं, वो जा रहे थे दूसरे शॉर्टकट रास्ते से जो स्वयं भाई और केवर गए, बट इनके पास इतना लगेज है और वो रोड इतना भयंकर है ऑफ रोडिंग वाला है कि जो BMW GS है वो समझ लो वो नहीं चढ़ सकती। तो हमारे 200 cc इंजन वाली 400 cc वाली गाड़ी क्यों नहीं चढ़ सकती, नहीं चढ़ेगी। हाँ इनकी डोमिनार चढ़ सकती है, बट वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, उनके पास लगेज भी बहुत है और ये दोनों सर उम्र में ज़्यादा है, बट उन लोग ने जो अभी ये उम्र में भी अचीवमेंट जो किया हुआ है उनकी गाड़ी में सब लिखा हुआ है और बहुत ही भयंकर। चलो मैं उनके पास पहुँच जाता हूँ फटाफट। पदम से निकले हुए हमें 1 घंटा हो चुका है, अभी तक कोई अच्छा रोड आया नहीं है, जो बस 10 किलोमीटर तक अच्छा रोड आया बस वही। अभी से ऑफ रोड चालू है मतलब चालू ही है, उतना टफ नहीं है, मतलब स्पीड पे एंटर नहीं कर सकते हम यहाँ पर। देखते आगे कितने दूर तक थोड़ा खराब लग रहा है मुझे, और ठंड भी लग रही है और पहाड़ पे देख रहा हूँ पहाड़ के टच टच बादल है, रिवर क्रॉसिंग। बारिश नहीं गिरनी चाहिए भाई, स्नो गिर जाए तो अच्छा है। बट फाइनली उसने निकाल दिए ध्रुव ने। या फिलहाल निकालना नहीं। ब्रिज आ तो अभी मेरे आगे के गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था, तो इस रास्ते पर ना कोई पंचर वाला है ना कोई हवा बनने वाला है, तो हाल खराब हो चुकी थी। ये भाई साहब है सर, आपका नाम क्या? चंद्रशेखर साहब है और उनके दोस्त है फिरोज खान है। तो फिरोज खान सर उनको मैंने बोला था कि मेरा जो दोस्त है उसको बुला के लाए, बट वो आगे चला गया, तो मैंने यहाँ पे और सर ने मदद करके टायर तो की ट्यूब निकाल दी बाहर। फिर देखा पंचर कहाँ पर है, पंचर सॉल्व किया, फिर वाल में पंचर निकला, फिर सर आ गए, फिर पंचर किया, हवा भरी,
पंप मेरे पास नहीं था, फिरोज सर के पास था, उनके कारण हम हवा भर पाए, वरना गाड़ी मुझे वहाँ पे ले जानी पड़ती। थैंक यू सो मच सर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मेरी गाड़ी पंचर हो चुकी है, तो ये सर का पंप था तो पंचर हो चुका है, और हम वहाँ पे पंचर कर रहे थे तो एक सर आए, उनने बोला कि हमारे वहाँ पे खाना खा लो, तो हम यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ पे हमें गरम गरम खाना बना के दे रहे और पानी भी गरम करके दिए हुए, और कुछ लोग यहाँ पे भी रह रहे। यहाँ से खाना खाने के बाद और 20-25 किलोमीटर चलाने के बाद और ये स्नो दिखा, जो ऊपर के साइड है वो ज़्यादा ही वाइट लग रहा है, मतलब स्नो अभी गिरा हुआ है, ज़्यादा गिरा। और ये दो लोग भैया वो नहीं होते तो मेरी गाड़ी का पंचर नहीं होता, पंचर तो कर लिया था बट हवा किससे पड़ता। तो गाँव है कारगिल तरफ जाते टाइम, भाई इतना मौसम है यार, पूरे ग्रीनरी ग्रीनरी, एक मकान और देखो ये, देख लो ये मकान और गार्डन जैसा, भाई बहुत ही जबरदस्त। डा 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 टाटा। भाई यार चलो असम यार, ग्रीनरी ग्रीनरी ज्यादा है यहाँ पर। देखो आइडियाज का तो कोई आता पता नहीं है वो कहाँ पर है, कारगिल से तो निकल चुका होगा साथ। मजा नहीं लाए भैया, थोड़े आगे जाते टाइम सामने दिख रहा होगा भाई, वॉशरूम का होगा मैक्सिमम 20-25 मकान हो गए, उससे ज़्यादा नहीं है, 20-25 से ज़्यादा है, एक नंबर मकान है सब। और ग्रेनरी की तो बात ही मत करो, ऑफ रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा, और पंचर मेरे दो जगह थे, एक पिच में पंचर था और पंचर होने के बाद थोड़ी गाड़ी आगे चलने की वजह से वाल की जगह से भी फट गया, तो टूट तो मुझे मेरी इसकी अहमदाबाद में भी मैंने बहुत तबाश किया था कुछ जुगाड़ करके, थोड़ा तो दिमाग लगा के काम चला लिया, अब देखते आगे क्या होता है। यहाँ पे इतने प्यारे हैं देख लो आप, बहुत ही मौसम है। पहला भैया नीचे क्या जो है, हाँ माना चाहिए भाई, यहाँ के गाँव है ना बहुत ही ऑसम है, और लोकेशन की तो बात ही मत करो यार, इतनी ग्रीनरी है, गार्डन है बीच में घर है, देख लो एक बार नीचे क्या ही जन्नत है। थोड़ी दूर चलाने के बाद हमको पक्का रोड मिल चुका है, तो शायद कार भी कनेक्ट हो रहा है रोड, और दोनों
गार्डन ही है, पूरा हरियाली हरियाली है और बीच में से रास्ते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है यार। एक जगह मुझे पूर्णे अच्छी लगी, पूर्णे तो बस कैंपिंग अच्छी थी और बाकी दूसरी गांव के रास्ते से निकल रहा है। हाईवे हाईवे भी नहीं बोल सकते, मतलब रास्ता है, समझ हाईवे भी गिन लो। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है और पीछे की साइड तो बहुत भयंकर अंधेरा है, इसलिए थोड़े हाथ लगा के चले जाते आगे क्योंकि बारिश में गीला होना नहीं है। हमें बहुत फास्ट चलना चालू हो गया है और ऊपर की साइड देख रहे हो तो पूरा वातावरण खराब हो चुका है और ठंड भी चालू हो चुकी है। उस साइड का पत्ता कोर है पर इस साइड का ना ही किसी को कांटेक्ट कर सकता हूँ अभी। हर जगह एक जगह रुके पर वहाँ पे सीमा भी बल नहीं थे, तब देखते हैं आगे कहाँ पर मिलेगा हमें ये गाँव की गाय। भाई जाओ जाओ जी, भाई तेरी भाषा नहीं आती मेरे को, जोड़ा गया लगता है।